आपने बाइक चलाना या वाद्य बजाना कैसे सीखा? यह अनुभव से सीखते हैं, है ना? मशीनें भी ऐसा ही कर सकती हैं। वे तीन तरीकों से सीखती है, पर्यवेक्षित, अपर्यवेक्षित और सुदृढ़ीकृत लर्निंग। आइए इसे समझने के लिए फुटबॉल का एक उदाहरण लेते हैं। पहले परिदृश्य में आपके पास एक कोच है जो आपकी निगरानी करता है और नियम सिखाता है। वह समझाता है कि गेंद के गोल में जाने पर एक पॉइंट मिलता है और जब साइड लाइन के बाहर जाती है तो हाथ से अंदर फेंकना होता है। वह सभी नियमों को समझाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल का समय आदि। यहाँ एक व्यक्ति है जो निगरानी करता है और खेल के सभी नियम सिखाता है। यह पर्यवेक्षित लर्निंग है। दूसरी तरफ आप खुद से सीखते हैं। आप हर गुरुवार और रविवार को खेल देखने जाने लगते हैं। पहले आप परेशान होते हैं, आखिरकार पैरों के इस खेल में खिलाड़ी किनारे पर हाथों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? गेंद के जाल में जाने पर दर्शक क्यों खुश होते हैं और न जाने पर निराश? पर जैसे जैसे आप देखते हैं, आपको खेल का स्वरूप और गतिशीलता समझ आती है। यह अपर्यवेक्षित लर्निंग है। अब एक तीसरे परिदृश्य पर विचार करें जो सुदृढ़ीकृत लर्निंग है। सोचिए आप पेनल्टी किक का अभ्यास कर रहे हैं। जब आप गोल करते हैं तो आप उपलब्धि महसूस करते हैं जो एक सकारात्मक इनाम है, और चूकने पर आपको निराशा होती है जो एक नकारात्मक इनाम है। समय के साथ किक के विभिन्न तरीकों और इनामों से सीखकर आप पेनल्टी किक स्कोर करने की अपनी क्षमता में सुधार करते हैं। तो याद रखें, सारी मशीन लर्निंग AI है, लेकिन सभी AI में मशीन लर्निंग शामिल नहीं होती। मशीन लर्निंग को इन प्रकारों में बांट सकते हैं, पर्यवेक्षित, अपर्यवेक्षित और सुदृढ़ीकृत लर्निंग। और गहराई में जाए तो मशीन लर्निंग के कुछ उन्नत रूप है जो मानव मस्तिष्क के सीखने के तरीके जैसे हैं। वे पर्यवेक्षित, अपर्यवेक्षित और सुदृढ़ीकरण लर्निंग की अवधारणाओं को बहुत बड़े पैमाने पर लागू करते हैं। इसे डीप लर्निंग कहते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के एक बड़े नेटवर्क के जैसे डीप लर्निंग कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है, इसलिए डीप शब्द का इस्तेमाल होता है। ये नेटवर्क खुद से सीख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। दिलचस्प लगा, है ना?